मोलर मास ऑफ सी एस फोर इंटू टू एच टू, ये क्या होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है जिप्सम, और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे टू क्या है एच टू है, तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्या नाम होगा इसका, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई मीन्स टू, हाइड्रेट मीन्स वाटर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ओ फोर इंटू टू एच टू, तो इसका हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी इसमें एटम्स हैं, कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबके साइड में क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमने लिखा कैल्शियम, देन सल्फर, देन ये ऐसे सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, इतने एटम हैं हमारे। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। एटॉमिक मास हमें लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम का यहाँ पे कितना हो गया, 40 हमने लिख दिया, प्लस सल्फर का कितना 32, तो हमने लिखा 32, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 16, कितने ऑक्सीजन के एटम है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H2O, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर, H2 का कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो हमने लिखा 16, क्या आ जाएगा 14 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 2, इसमें कितना हो जाएगा टोटल हमारा 18, तो इसका किससे मल्टीप्लाई करवाना है 18 के साथ, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 172 ग्राम पर मोल। तो जो जिप्सम होता है हमारा सी एस ओ फोर इंटू टू एच टू कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, इसका मोलर मास होता है 172 ग्राम पर मोल।